13 घंटे का शेड्यूल डेवलप किया है, और वो जो 13 घंटे का हमने शेड्यूल डेवलप किया है उसमें ऐसा मत सोचिए, एक थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन होता है कई बार पेरेंट्स के दिमाग में कि बच्चा सिर्फ 13 घंटे पढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें 13 घंटे की अलग अलग एक्टिविटीज़ है 13 घंटे की, मैं उसको ग्रेजुअली टाइम बींग हम लोग आपको इसको एलोबरेट भी करेंगे। उसमें बच्चा पढ़ाई से रिलेवेंट चीज़ें ही करता है, बट उसमें वो मोनोटोनस नहीं होता। उसमें कुछ हम इस तरीके से कहते हैं कि जैसे लेट से मॉर्निंग में बच्चा सुबह 8 बजे आता है, तो 8 बजे से 1 बजे तक उसके तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनके लेक्चर होते हैं। 1 बजे से लेकर करीब 1:30 से 2:45 बजे तक 45 मिनट के आसपास का उसका एक ब्रेक का समय होता है, आधे घंटे से 45 मिनट का, डिपेंड करता है वो 11th में है 12th में है। वो आराम से उस ब्रेक को ब्रेक में अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकता है, बातें भी कर सकता है। फिर उसके बाद एक सेल्फ स्टडी का समय आता है। तो लेट से मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताऊं आपको, तो 2 बजे से 5 बजे तक उसका सेल्फ स्टडी का समय होता है। उसमें एक प्रॉपर उन बच्चों को हम शेड्यूल देते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली 2 बजे से पढ़ना क्या है, क्योंकि बच्चा जेई और नीट की प्रिपरेशन जस्ट करना शुरू किया, उसको आइडिया नहीं होता पढ़ना कैसे है। तो हम उसे बता देते हैं कि आपको इस चैप्टर का इस सेक्शन को अभी पढ़ना है 2 से 5 में। अब पॉइंट ये आता है पेरेंट्स के लिए कि क्या बच्चा 2 से 5 में उसको ईमानदारी से पढ़ रहा है। तो वो ईमानदारी रखने के लिए कि वो 2 से 5 में उसे ईमानदारी के साथ पढ़े, हम 5 बजे उसी टॉपिक का टेस्ट भी लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइकोलॉजिकल चीज़ आप समझिए इस चीज़ को, कि जब बच्चे को ये बात पता है कि 5 बजे मेरा टेस्ट होगा और ये बात का आकलन किया जाएगा कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, तो उसकी पढ़ने की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। मैं इसकी बच्चे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीइंग अ पेरेंट्स की बात करूँ, बीइंग अ पेरेंट्स भी अपन सोचें कि मुझे कुछ टास्क दिया गया है और मुझे बोला गया है 3 घंटे बाद कि इसका आकलन किया जाएगा कि आपने इस टास्क में क्या काम किया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक जाहिर सी बात है कि आप उस 3 घंटे को रिलेटिवली मोर इफेक्टिव यूज़ करेंगे। तो 2 से 5 बजे तक हम बच्चे का एक तरीके से एक शेड्यूल होता है, उसमें उसे सेल्फ स्टडी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना होता है, फिर 5 बजे से उसका टेस्ट होता है, 5 से 6:30 बजे तक टेस्ट होता है, 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, और 6:30 बजे उसे उसकी कॉपी चेक की जाती है, और 6:30 बजे उसको मार्क्स बता दिए जाते हैं, और ये भी बता दिया जाता है बाकी क्लास के कंपेरेटिवली आपके नंबर क्या है। तो वो क्या ईजिली आसानी से इस बात को कंपेयर कर पाता है कि जनरली जब टेस्ट होते थे तो मेरी 6th या 7th लेट से पोजीशन आती थी, बट आज मेरी पोजीशन 11th आ गई है, इसका मतलब ये मेरा टॉपिक वीक है। तो फिर वो वीक टॉपिक उसे पता लगा, तो 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सेल्फ एनालिसिस का समय होता है। वो बच्चे को सॉल्यूशन दिए जाते हैं, वो सॉल्यूशन को देखता है, समझता है और अपने आप को ग्रो करता है, और उसके बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे असिस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो ऑब्वियस सी बात है किसी डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से किसी टीचर के साथ अपना डाउट क्लियरिंग सेशन लगा सकता है। और इस तरीके से बच्चे का टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, सेल्फ एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, सेल्फ स्टडी, अलग अलग ब्रेक होते हैं, सुबह 8 से 1 में 2 ब्रेक होते हैं, शाम को भी 2 ब्रेक होते हैं, इस तरीके से उसका पूरा शेड्यूल होता है और वह पूरी फोकस प्रिपरेशन कर पाता है।